नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। राज्य में मॉनसून इस बार फिर दगा दे गया। राज्य में अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसान उदास है और अब खेती कैसे होगी इसे लेकर किसानों में निराशा छाई हुई है। इस विषय पर जहां विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सरकार 15 अगस्त के बाद कोई निर्णय तक पहुंचने की बात कर रही है। बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान राज्य भर में बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ घोषित किए जाने को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार पर हमला बोला गया था। तो वहीं अगर जमीनी हालत और कृषि विभाग के आंकड़े की बात करें, तो राज्य की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। राज्य में सुखाड़ की हालत है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में 283 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी बारिश मात्र 48% हुई है। झारखंड के 22 जिलों में सूखा जैसी स्थिति बनी हुई है। राज्य में 15-17% ही धान की रोपाई हो पाई है। समय से बारिश नहीं होने के कारण किसानों के धान के बीज खेतों में सूख गए हैं। जिन किसानों के पास थोड़ा बिचड़ा बचा हुआ था, वह हाल के एक दो दिनों में बारिश के बीच धान की बुआई कर रहे हैं। धान की रोपाई समय पर नहीं होने के कारण उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। वहीं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि आज के इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखाड़ के विषय पर बात करेंगे और उम्मीद है कि सुखाड़ के पैकेज की भी बात की जाए। इधर बंधु तिर्की ने भी कहा है कि सुखाड़ के विषय पर झारखंड की सरकार और मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर है और 15 अगस्त से पहले इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए और क्या कुछ कहना है बंधु तिर्की का। सरकार को सुखाड़ पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। 15 अगस्त तक कुछ ना कुछ इस पर वो घोषणा जरूर करेगी, क्योंकि सुखाड़ है और इस पर हमको लगता है कि सरकार मैंने कर रही है। थोड़ा सरकार को भी कुछ कुछ चीज़ों में करने में प्रक्रिया से गुजर टाइम लगता है। सरकार इस पर गंभीर है और निश्चित रूप से सरकार इस पर करेगी। तब है कि जो भी बने लोगों तक सुखाड़ का मामला, जो भी बने वो लोग आम लोगों तक पहुंचे, इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है। लग नहीं रहा है दादा कि सांसद ने उठाई है सुखाड़ के दाख और केंद्र से आग्रह भी किया है कि बीजेपी नहीं यहाँ आए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हर तरह से जो हालात है, जिस तरह से वर्षा का अवसर है, उसके हिसाब से सभी लोगों को इस पर सुखाड़ के प्रति गंभीर होना चाहिए। सरकार इस पर गंभीर है। अब तब हम बोल रहे हैं कि जो जो भी बनता है सुखाड़ के लिए, अगर हम लाभ देने के लिए हम घोषणा किया जाता है, तो उसको ऐसा हो कि सही में किसान तक, प्रभावित तक लोग पहुंच सके। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे इसलिए हैं कि वहाँ नीति आयोग की बैठक है और उस नीति आयोग में राज्य के तमाम विषयों पे भी चर्चा होगी। सुखाड़ का मामला है, विशेष पैकेज की मांग है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। अब कांग्रेस नेतृत्व से भी हो सकती है कि अगर समय मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री का, तो वो मिल सकते हैं कांग्रेस नेतृत्व से। नहीं, देखिए, सरकार ने सदन में भी इस बात को कहा है कि हम सुखाड़ का आकलन कर रहे हैं और सुखाड़ के आकलन के उपरांत उस पर निर्णय लेंगे। तो हमें लगता है कि पूरा प्रारूप तैयार है। जिस प्रकार राज्य में बारिश की स्थिति सामान्य से भी कम है, तो कहीं ना कहीं सुखाड़ का मामला बनता है। तो सरकार जो है संजीदा है और सरकार ये चाहती है कि केंद्र सरकार सुखाड़ पर जो है वो विशेष पैकेज इस राज्य को दे। तो अब केंद्र सरकार कितनी प्रतिबद्धता के साथ इस विषय पर संज्ञान लेती है, हमें लगता है कि अब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि अगर सरकार सचमुच में किसानों को लेकर गंभीर है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। जिलों से इनपुट मंगवा कर किस जिले में कितनी बारिश हुई है, इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान इस आस में बैठे हैं कि सरकार अपनी ओर से कुछ राहत कार्य के ऐलान करेगी, ताकि उनके समक्ष जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसका निराकरण हो सके। लेकिन सरकार उतनी गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। अगर सरकार गंभीर होती तो कोई निष्कर्ष निकल कर सामने आता। सरकार अगर सचमुच में किसानों को लेकर गंभीर है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ओर से पहल करनी चाहिए कि जिलों से रिपोर्ट मंगवाकर किस जिले में कितनी बारिश हुई है, क्योंकि जो स्थिति है कमोबेश सभी जगहों की स्थिति एक समान है, सिर्फ पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम को छोड़ दिया जाए तो राज्य के सभी जिलों में औसत से कम बारिश हुई है।
तो फसल लगाने की गति आप समझ सकते हैं कि जब बारिश ही नहीं हुई तो किसान फिर किस उम्मीद पर फसल लगाए। तो सरकार को जल्दी से जल्दी यह फैसला करना चाहिए, लेकिन सत्र में तो इन्होंने कहा कि 15 के बाद हम फैसला करेंगे, लेकिन किसान इस आस में बैठा है कि सरकार अपनी ओर से कुछ राहत का ऐलान करे ताकि जो उनके समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हुई है उससे उनको निजात मिल सके। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार उतनी गंभीर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सत्र में अगर चर्चा हुआ होता तो कोई निष्कर्ष निकलता, कोई परिणाम निकल सकता था। उल्टे सरकार ने एक दिन पहले ही सदन स्थगित करने की घोषणा कर दी और कहीं ना कहीं जो एक विकराल समस्या आज राज्य के सामने, क्योंकि खेती किसानी के भरोसे ही यहाँ के अधिकांश लोग अपनी जीविका चलाते हैं और आने वाले पूरे साल भर का उनका लेखा जोखा इसी पर निर्भर करता है, तो सरकार को चिंता होनी चाहिए और इस दिशा में यथाशीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं और वहां पर सुखाड़ के विषय पर क्या कुछ चर्चा होती है और झारखंड को सुखाड़ का पैकेज मिल पाता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।